तो आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक लास्ट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर फोर बेसिक्स के बारे में बात की जाएगी। तो आज जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उसका लास्ट टॉपिक। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, जब आप प्लान करते हो फील्ड में, तो आपको ये वाला ऑब्जेक्शन, ये चैलेंज आपको अक्सर ही आता होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि प्रोस्पेक्ट को या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो ज्वाइन हो जाऊंगा, लेकिन आगे और लोग ज्वाइन नहीं होंगे। लोग ज्वाइन नहीं होते, वो मना कर देते हैं ना। बड़ी बड़ी एक सिंपल सी एक प्रॉब्लम होती है, एक बैरियर होता है कुछ लोगों के माइंड में कि उनको प्लान अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हाँ यार, प्लान अच्छा है, इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन लोग जुड़ते नहीं हैं, लोग नेगेटिव हैं। वो जुड़ने के लिए रेडी हैं, वो खुद ज्वाइन होने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनके मन में ये एक बात बैठ गई है कि लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि लोग पहले ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से बहुत ऊब चुके हैं, तो वो मेरे कहने पे ज्वाइन नहीं करेंगे, वो मना कर देंगे। तो इस वजह से फिर वो सोचते हैं कि यार, मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, क्योंकि आगे तो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे लोगों को आप क्या जवाब दे सकते हो, क्या सोल्यूशन होना चाहिए? अगर कोई भी आपसे बोले कि लोग ज्वाइन नहीं होते, वो मना कर देते हैं, तो जैसे कि हम पहले ही करते हैं कि पहले उनकी बात से सहमत हो जाइए, बोलिए कि बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लोग मना कर देते हैं। लेकिन लेकिन लोग मना करते हैं पॉन्जी स्कीम्स को, जो वो फ्रॉड वाली स्कीम्स होती है ना, पॉन्जी स्कीम्स, वो कि पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, राइट? उन स्कीम्स को मना कर देते हैं जहाँ पे उनकी उनके पैसे जो हैं वो लिए जाते हैं और फिर कंपनी लेके भाग जाती है, राइट? लोग मना करते हैं उन कंपनीज को जहां पे उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, राइट? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लोग मना करते हैं, लेकिन मना किस चीज को करते हैं? जहां पे पैसों का लालच दिया जाता है कि आपके पैसे, आपको कुछ नहीं करना है, डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, राइट? और या फिर आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। लोग उस चीज से भागते हैं और इसलिए उसको मना कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि P2P इन सबसे बिल्कुल अलग है? P2P में ना ही कोई फेक कमिटमेंट होती है, कोई कोई झूठा वादा नहीं होता कि आपके पैसे दुगने तिगने कर दिए जाएंगे, और ना ही आपको कोई प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कहा जाता है, ना ही कोई प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, राइट? तो जब लोग इस चीज का फर्क समझते हैं कि P2P और बाकियों में क्या अंतर है, तो फिर वो उसी वक्त ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे आपको अच्छा लगा, आप ज्वाइन कर रहे हो, तो ऐसे ही जब लोगों को फर्क पता चलता है कि P2P और बाकी कंपनीज में क्या फर्क है, तो फिर वो लोग उसी वक्त ज्वाइन कर लेते हैं। और सच बात तो ये है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं, जो इंतजार में हैं कि कोई जेन्युइन अपॉर्चुनिटी मिले। आपको पता है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव नहीं है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से नेगेटिव है। लोग उन कंपनी से नेगेटिव हैं जो फ्रॉड करके चली जाती हैं, जो लोगों का पैसा लेके भाग जाती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो लोग हमेशा से पॉजिटिव हैं, लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत पैसा है। उन्होंने अपने किसी ना किसी रिलेटिव को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत पैसा कमाते हुए देखा है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोग बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन जब बात कंपनी की आ जाती है ना, जब वहां पे पैसे देने हैं और फिर वो पैसे, उनका रिस्क हो जाता है कि वो पैसे लेके कंपनी भाग जाएगी, राइट? या फिर उनको घर घर जाके सामान बेचना पड़ेगा, उस चीज से लोगों को तकलीफ है। लोगों को नेटवर्क बनाने से प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो हमारा काम है उस फर्क को समझाना कि P2P कैसे अलग है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, आप भी उनमें से एक हो। हम सब लोग वेट कर रहे थे कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, कोई अच्छा मौका आए जो जेन्युइन हो, जिसमें फ्रॉड का चांस ना हो, जिसमें हम पैसे बना सके, राइट? तो क्या
जो हमारी सोच है, बाकी दुनिया की सोच वैसी नहीं है, सबकी सोच ऐसी है। आपको 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट? या तो उनके पास रोजगार ही नहीं है, और अगर है तो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। जितनी काबिलियत उनके पास है, जितना टैलेंट उनके पास, लोगों के पास है, उस हिसाब से उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वो तरक्की कर सके, राइट? तो जब आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके किसी के पास जाते हो जिसमें 100% जेन्युइन प्लान हो, जिसमें प्रोडक्ट्स ना बेचने पड़े, जिसमें कोई कंपनी ना हो, कोई MD ना हो, कभी फ्रॉड होने का चांस ना हो, कभी सिस्टम बंद होने का कोई चांस ना हो, तो लोग दोनों हाथों से उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं। हर बंदा चाहता है कि मेरी इनकम बढ़े, भले ही कोई 10,000 रुपये महीने कमा रहा है, वो सोच रहा है कि कहीं कोई ऐसा कोई सिस्टम, कोई ऐसा कोई मैं काम करूं जिससे 10-20 हज़ार रुपये और आए तो मेरा थोड़ा सा सर्कल बेटर हो जाए। जो बंदा 50,000 कमा रहा है, अब उससे पूछ के देखोगे वो भी खुश नहीं है। 50,000 में उसका घर, उसकी सेविंग्स, वो चीजें नहीं पॉसिबल हो रही है, तो वो कह रहा है कि कहीं 20-40 हज़ार रुपये कहीं और से बन जाए तो मेरा सर्कल बेटर हो जाए। जो बंदा 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है या 1 लाख रुपया कहीं और से कमा रहा है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरतें उस हिसाब से हैं कि वो 1 लाख रुपया कम है। तो आपको हर व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है। तो जब आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हो जिससे पैसे भी बनाए जा सकते हैं और उस पर भरोसा भी किया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो लोग जुड़ते हैं, उसी वक्त जुड़ते हैं, राइट? और यही कारण है कि आज की डेट में दो दो तीन तीन हजार लोग डेली डेली जुड़ रहे हैं, राइट? तो वो कौन लोग हैं, वो कहाँ से आए हैं? हम ही तो हैं, हमारे आसपास ही तो हैं, हम जिन लोगों के पास जाते हैं वैसे ही तो लोग हैं। तो आप कह रहे हो कि लोग जुड़ते नहीं है, मना कर देते हैं, तो फिर ये 2-3 हज़ार लोग कौन रोज नहीं आ जाते हैं ना? इसका मतलब ये है कि लोग जुड़ते हैं, बस एक आपके पास प्लान सही होना चाहिए और आपके पास उनको जाने के, उनके पास जाके उनको प्लान शेयर करना है, राइट? ये दो चीजें हैं। प्लान आपका बेस्ट है, बस अब आपको 4 बेसिक्स के अकॉर्डिंग काम करना है, राइट? तो इसको लेके किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, घनश्याम सैनी जी, अनम्यूट कीजिए सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सिस्टम बहुत अच्छा है, वैसे तो हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। सर जिस बंदे को हमने कल प्लान दिया था ओके तो उनका वेलकम कर रहे हैं हिमराज कोहली। ओके, हेमराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे PTP परिवार में, और आप सब लोगों का जो भी इस सिस्टम में नए शामिल हुए हैं इस परिवार में आने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने P2P को चुना, और भले ही जब आपने P2P में ज्वाइन किया हो तो शायद आपको ना पता हो कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, जिस परिवार में आप जुड़ रहे हैं, उसकी ताकत क्या है, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि ये P2P वाला समंदर जो है ये कितना गहरा है, राइट? क्योंकि इसमें कोई सीमा नहीं है आपकी इनकम की। आप कोई भी सोच लेके आइए कि आपको कितने कमाने हैं, आप उससे ज्यादा कमा सकते हो। अगर आप ये सोच के आओगे कि मुझे 10,000 महीना कमाना है, आप 10,000 कमाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं 10 लाख रुपए महीने के कमाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 10-10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या लिमिट है, इतना बड़ा सोचो, इतना बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोचोगे उतना ही ज्यादा आप पाओगे, राइट? क्योंकि जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। तो आप सबके लिए मैं बेस्ट विशेस देता हूँ जो भी नए लोग आए हैं, और अपनी अपलाइन के साथ बैठ के लिस्ट बनाइए, उनसे पूछिए 4 बेसिक्स क्या होता है, और फिर काम शुरू कर दीजिए। हरिओम जी, अनम्यूट कीजिए सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी बहुत अच्छा लगा, अभी हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी आकर के हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं सुबह सुबह। यानी सर्विस मतलब हमारा माइंड गाड़ी है ही, तो आपके माध्यम से सर्विस हो जाती है।
थैंक यू. अभी सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे, ये तो हमारे ऊपर है, हम कितना सोच सकते हैं, कितना बड़ा अगर अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि 10,000 रुपये कमाने आते हैं तो उनको 10,000 मिलता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों कमाने आते हैं, उनको लाखों मिल जाता है। तो बहुत बढ़िया सर, अभी सर एक हमारे साथ में मैडम ज्वाइन हुई है आज ही सुबह, बिहार से हैं नीलम जी, और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, तो वेलकम कर दीजिए। बाकी सर बहुत अच्छा चल रहा है अभी। थैंक यू हरिओम जी. नीलम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और मुझे एक बात याद आ गई कि कुछ लोग ना हमारे सिस्टम में ऐसे हैं, जब उनको 40-50 हज़ार रुपये आ जाता है ना, तो उनको लगता है कि अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं तो सक्सेसफुल हो गया, मैंने 11 हज़ार रुपये लगाए थे, 40-50 हज़ार आ गया, बहुत बढ़िया हो गया. बस वहां पे उनकी कहानी खत्म हो जाती है. राइट, उनकी सोच इतनी थी, वो सोचते हैं कि 4-5 गुना का फायदा हो गया, और क्या चाहिए. तो वो वहां पे उन फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, उनकी वहां पे फुल स्टॉप लग जाता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब 40-50 हज़ार रुपये आ जाता है ना, फिर वो काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि पहले तो बस ऐसे ही कर लिया है ना, कि अपलाइन ने बोला और किसी से मिल लिए है ना, या किसी को बता दिया तो हो गया, 40-50 हज़ार आ गया. लेकिन जब 50 हज़ार रुपया आ गया ना, तो फिर वहां पे विश्वास बन गया. राइट, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया, सिस्टम के ऊपर भरोसा आ गया कि यार ये पैसा देता है. राइट, ये बाकी सिस्टम्स की तरह नहीं है, यहाँ पे पैसा आ रहा है. राइट, तो फिर वो वहां से शुरू करते हैं. कुछ लोग 40-50 हज़ार आप पे आके खत्म कर देते हैं, कुछ लोग वहां से लंबी छलांग मारते हैं. तो ये आपके ऊपर है दोस्तों, सिस्टम की कोई लिमिट नहीं है, आपकी लिमिट क्या है ये डिपेंड करेगा कि आप यहाँ से कितना पैसा लेके जाते हैं. जसवीर सिंह जी अनम्यूट कीजिए सर. हाँ जी जसवीर जी, सत हाँ जी, सत श्री अकाल सर. श्री अकाल जी. सर हम बहुत संतुष्ट हैं सर. तो हर रोज मीटिंग में एनर्जी बहुत बढ़िया मिलती है. तो सर एक मेरा पर्सनल है कि मेरा बेटा कनाडा गया, तो यहाँ से कुछ मीटिंग से सीख के गया था, पीटीपी में काम करके भी गया. तो कुछ सर आपसे पर्सनल बात करनी है सर, अगर आप नंबर दीजिए या फिर आप मेरा नंबर है जी, बाद में बात करना चाहते सर आपसे. बेटा ओके सर, कहाँ पे रहते हैं आपके बेटे? सर कनाडा में, टोरंटो में, माल्टन में रहता है. बेटा भी है, बेटी भी है सर. ओके ओके, हालांकि मेरे जी यहाँ से सर, तो काफी ये था दूर है, बेटा. लगभग जी सर, 3,350 किलोमीटर दूर है, लेकिन फोन पे जरूर बात हो सकती है, जी मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ. सर. कैसे, मेरे को कैसे पता चलेगा सर नंबर का सर? मैं आपको इसी, ये जो आपकी जूम ऐप है ना, यहाँ पे चैट पे जाएंगे तो वहां पे आपको मेरा नंबर मिलेगा, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. ठीक ठीक है है जी, सर, चैट पे सर. ठीक है, ठीक थैंक यू, है सर, थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम सर. पवन सिंह जी अनम्यूट कीजिए. पवन सिंह जी अनम्यूट कीजिए. ओके, तो किसी और को कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप शेयर करना चाहें आप? हाँ जी, रविंदर सिन्हा जी अनम्यूट कीजिए. रविंदर जी, सर सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल जी. सर वेलकम है जी, सारी हाँ टीम जी, था मेरी था जी, सारे पीटीपी कम्युनिटी था जी, धन्यवाद करना जिन्होंने मैनू ये बिजनेस दिता जी. तो सर मेरी टीम बैठी है जी तुहाडे सामने, 9191 कोड लाया भाई जी इन्हां नाम दे अग्गे. तो ओके सर मेरी कोशिश है भी होर 9191 और बंदे बढ़न जी टीम च, ठीक है ते जी, कोड लाके सर इन्हों मतलब कि आप तुम इन्हों वेलकम कर दो एक बार अपने कोल सर. ठीक है जी सर. रविंद्र जी आपका और आपका स्वागत है, और हम सबकी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं. ओके, और पूरी टीम आपके साथ है सर, जहाँ पे भी कभी कोई प्रॉब्लम आती थैंक है, यू कोई सर. टैलेंट आता है, हम सब एक परिवार हैं और सब मिलके कामयाब होंगे. राइट, अमृतपाल सिंह जी अनम्यूट कीजिए. हेलो हेलो सर,
सर थोड़ी मीटिंग सुन के बहुत बढ़िया लगता है, थैंक यू। बहुत बढ़िया मीटिंग। मेरे ना थोड़े बंदे ज्वाइन हुए थे पिछले महीने, ओके तीन चार, मतलब एक अपार सिंह, एक जतिंदर पाल ते एक हरदेव सिंह जी, गुरदेव सिंह ठीक है जी। जी। सर इन्हों का वेलकम कर दो, नाले अपार सिंह मीटिंग च ने, उन्होंने थोड़ा गल कर सकते हो, उन्होंने पता ही नहीं लगता जिम्मे किमें अनम्यूट करना। ओके तो सर ये आपको बताना होगा कि कभी उनके पास बैठ के आपके कैसे वो अनम्यूट कर सकते हैं। जब हमारी हाँ जो होम स्क्रीन होती है उसके ऊपर म्यूट अनम्यूट का आइकन होता है, माइक का आइकन बना होता है, तो उस पर क्लिक करके वो भी अनम्यूट कर सकते हैं। और अगर हैंड रेस करेंगे तो मैं उनको अनम्यूट भी कर देता हूँ। ठीक है हाँ जी, अजय ठाकुर जी अनम्यूट कीजिए। सर जी, नमस्कार। सत श्री अकाल जी। सर सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी हेलो सर, हाँ जी हाँ जी सुन पा रहे हैं आप? सर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी सर मेरा पिता को सर नमस्कार, हाँ जी और मैं ये कहना चाहूंगा, एक हमारे बहुत ही दमदार लीडर इस जूम मीटिंग पे हैं जुड़े हुए, जिनका नाम है अतुल गर्ग। सर वेलकम कीजिए सर। जो हुक्म सर। अतुल गर्ग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पीटूपी परिवार में। हाँ जी विनोद जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं सर P2P ज्वाइन हूँ 21 जनवरी 2023 से। ओके हाँ तो ये मीटिंग है सर, दिन में 3 बार होती है या एक सुबह शाम होती है बस? ओके सर, ये जो सुबह वाली है ये इसको होस्ट मैं करता हूँ और शाम को कोई और करता है, और इसके अलावा मेरी जानकारी में और कोई नहीं है, क्योंकि टीम्स बहुत बड़ी हो चुकी हैं और अपनी अपनी टीम्स में छोटी छोटी बड़ी बड़ी मीटिंग्स बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो हो सकता है आपकी टीम में दो लग रही हो, चार लग रही हो, पांच लग रही हो, उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन सुबह जो 8 बजे वाली होती है इसको मैं होस्ट करता हूँ। अच्छा, एक बात और पूछनी थी सर। कई बार ना कई लोग होते हैं तो फील्ड में जाते हैं, उनके पास पेमेंटें हैं इकट्ठी नहीं होती, हाफ पेमेंट ओके होती है, 5 हजार हो गया या 7 हजार हो गया या 6 हजार हो गया, ओके तो इसका क्या हल हो सकता है सर? भी उसको ज्वाइन कराएं या ना कराएं? सर, मुझे लगता है कि जब किसी को ज्वाइन होना होता है तो जहाँ पे 5,000 रेंज होता है वहाँ पे 11,000 भी हो सकता है, 11,200 है ना, जितना भी हमारी मांग पूरी है कर्मचारी हो। हाँ जी है ना, तो क्या होता है कि जब हम ऑफर कर देते हैं ना कि आप 5,000 अरेंज कर लो, तो फिर वो 5,000 ही करेगा, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अपने आप को टारगेट दो ना कि मुझे अपने घर को क्लीन करना है, साफ करना है, और मेरे पास 2 दिन है, तो आप 2 दिन में क्लीन कर लोगे। अगर आप अपने आप को टाइम दो कि मुझे पूरे घर को साफ करने में 5 घंटे चाहिए, तो आप 5 घंटों में कर लोगे। अगर आप अपने को एक टारगेट दो कि मैं आधे घंटे में पूरा घर साफ करूंगा, तो आप आधे घंटे में कर दोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खुद को जितना टारगेट देते हो आप वो कर पाते हो। जब आप अपने आप को 5,000 का टारगेट देते हो या अपने प्रोस्पेक्ट को 5,000 का टारगेट दिया, तो वो 5,000 के बारे में सोचेगा। अगर आप 20,000 का दोगे तो वो 20,000 के बारे में सोचेगा। तो खुद कभी नहीं बोलना है कि आप इतने कर लो, और अगर वो बोले तो बोले कि नहीं, ये पूरी आईडी ही लगेगी और ये इतनी ही अमाउंट की है। जिसको समझ में आ गया, जिसको वैल्यू समझ में आ गई, आप 1,10,000 की भी आईडी होगी तो वो तब भी अरेंज करेगा, तब भी ज्वाइन करेगा। और जिसको नहीं समझ में आया वो 5,000 भी नहीं कर सकता है, राइट। तो कभी ये आधी पौनी आईडी वाले चक्कर में नहीं जाना है, पूरी आईडी कंप्लीट करनी है। मोहम्मद नसीम जी अनम्यूट कीजिए सर। हेलो हाँ सर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग जी। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था और बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाती हैं। और सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मैंने अभी दो चार बंदों को ज्वाइन कराया है, तो मैं उनके पास कंटिन्यूअस 5 6 दिन से लगातार जा रहे हैं, दो दो बार मिल रहे हैं उनसे, उनके बंदों को प्लान कर रहे हैं, मगर सर वो उस हिसाब से जो रिस्पांस मिलना चाहिए, ठीक है सर,
वो नहीं मिल पा रहा, उनको ये लगने लगा, शायद हो सकता है मैं गलत हूं, कि यार इनको ही जरूरत है, यही बार बार आ रहे हैं, या फिर इनको और कोई बंदे मिल नहीं रहे, ये हमारे ही पीछे पड़े हैं, हमारे ही बंदे लगवाने के चक्कर में लगे पड़े। तब मैंने उस पर थोड़ा सा ये सोचा कि या तो हम इनको थोड़ा सा कम टाइम दें, अपने और बंदे ज्वाइन कराएं, जब इनको इजी लेवल आने लगेगा हो सकता है ये उस टाइम पे मोटिवेट हो जाए और दोबारा से हम इनको फिर पिक करें। तो थोड़ा सा मेरे माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है, थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई कर दीजिए सर। नसीम जी, यहाँ पे बात इजी लेवल की नहीं है, यहाँ पे जी बात है जो आपकी डाउनलाइन है, जो आपकी टीम है, वो आपके बारे में क्या सोचती है। जब जी सर आप किसी को बार बार इतने ज्यादा फोन कॉल्स कर देते हो, बार बार उसी के पास जाकर बैठे रहते हो और उसी के प्लान्स करते रहते हो, तो आपके जी टीम मेंबर को लगता है कि आप ही एक जरिया, वही एक जरिया है जिससे आपको कमाई होगी, है ना, कि जी वही सर ये काम करेगा तो ही आपको पैसे आएंगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब किसी ओके सर को ये लगता है ना कि मैं ही एक ऑप्शन हूँ इसकी, तो इसके पास और कोई है ही नहीं जिसके साथ काम करवाए, तो फिर उसके भाव बढ़ जाते हैं। जब भाव जी बढ़ जाते सर हैं फिर वो भी काम नहीं करता। तो इसके लिए जी सही तरीका है कि शुरू में आपके पास डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए काफी सारे, और आप चूज करो कि किसके साथ जाना है, किसके साथ अब जाना है, किसके साथ बाद में जाना है। जब आपकी टीम आपकी डाउनलाइन देखती है कि आप तो बहुत बिजी हो, आपको कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है, आप किसी के साथ प्लान कर रहे हो, उसके साथ कर रहे हो, उसके साथ कर रहे हो, फिर आप नहीं उसको बोलते, वो आपको बोलता है कि आओ सर मेरे साथ भी, मुझे भी थोड़ा टाइम दो। समझ रहे हो आप मेरी बात? वैल्यू की ओके बात होती सर है सारी, ये वैल्यू हमें खुद जी बनानी होती है। जब आप जी सर वेले जाके बैठ के उसके उसके पास जाके बैठ जाते हो, तो फिर उसको भी लगता है कि यार इसके पास तो और कोई काम नहीं है, फिर उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो अब अपने आप को बिजी शो करो, अपने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ज्यादा लगाओ, और हाँ ये बात है कि जब उनको जरूरत है आपको वहां पे होना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी नहीं अवेलेबल होना है, राइट, वैल्यू कम हो जी जाता है। ओके जी, तो इंद्रजीत सिंह जी अनम्यूट कीजिए सर। राजकुमार जी अनम्यूट कीजिए। हरभजन सिंह जी अनम्यूट कीजिए। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। सर जी मैं मतलब कि बंदे जो मेरे थले जवान हुए हुआ वो मतलब कि ना ये दे विच मीटिंग विच आ रहा कोई भी, हाँ भी वो थले कोई काम नहीं, काम भी कोई नहीं कर रहा, ओके okay. कितने लोग हैं आपकी टीम में? उस लिए कोई भी कितने लोग हैं आपकी टीम में? जी 22 बंदे है जी, लेफ्ट कितने हैं और ग्यारह राइट ग्यारह कितने? 11 उस साइड, 11 उस साइड, राइट लेफ्ट ओके okay. और इनमें से आपके डायरेक्ट कितने हैं? जी सर। डायरेक्ट तो डायरेक्ट मेरे सर हाँ 13 बंदे है 13। जी। ओके ऑलराइट ओके। जी तो मैं कल भी शायद किसी को बता रहा था, हरभजन जी, क्या होता है कि हमारा जो काम है ना, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके दो पिलर्स हैं, इसके दो हिस्से हैं। पहला है जॉइनिंग प्रोसेस। जॉइनिंग प्रोसेस का मतलब है कि आप सीखते हो कि किसी को ज्वाइन कैसे करवाना है ना, फोर बेसिक्स क्या होते हैं, प्लान कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, ज्वाइनिंग कैसे होगी। और अगर आपने जी 22 लोगों की टीम खड़ी की है जिसमें से 13 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स है, तो मैं समझता हूँ कि आपको पता चल गया है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होती है, उसमें आप निपुण हो गए हो, राइट। जी लेकिन जो जी दूसरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लीडरशिप प्रोसेस। लीडरशिप प्रोसेस का मतलब है कि जी जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आपकी टीम बन चुकी है, अब उनको जी सिखाना है और उनको लीड जी करना है, अब उनके साथ टीम जी बनानी है। आपको 4 पैसे आ चुके हैं ठीक सिस्टम में, अब उनको भी पैसा दिलाना है, राइट, ताकि जी वो भी सीखें जी और वो भी काम करें। तो जो पहला जी पार्ट है उसमें आप मास्टर हो गए हो, वो आप परफेक्ट करते हो, अब लीडरशिप प्रोसेस सीखो। लीडरशिप प्रोसेस की हम अक्सर ही ट्रेनिंग करते हैं कि जो आपकी टीम बन चुकी है, जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनके साथ कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आई थिंक आपने वो मिस किए हैं। अगर वो आप अगली आने वाले टाइम में अगर वो आप मीटिंग ज्वाइन करोगे, इसको अटेंड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जब कोई पर्सन आपकी टीम में ज्वाइन होता है तो उसको तैयार कैसे करना है,
ऐसा उसके साथ कौन कौन सी ठीक उसके साथ डिस्कशन करनी है कि वो आपसे पहले मीटिंग में आ जाए, उसका विजन कैसे क्लियर करना है। ठीक आप उसको फोन ना करो, वो आपको फोन करे कि चलो हरभजन जी मेरे लिए चार प्लान है, चार लोगों को मिलना है ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है। जी लेकिन अगर आप लीडरशिप प्रोसेस की जी ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो वो भी बेटर हो जाएगी। फिक्र करने की जी बात नहीं है। देखो अगर 20-25 लोग आपके साथ जुड़ जी गए हैं, इसका मतलब कि लोग जुड़ते हैं ना, ये आपको क्लियर हो गया। जी आपको आपके अकाउंट में, बैंक जी अकाउंट में सर पैसे आए हैं P2P से, तो आपको पता चल गया जी सिस्टम से पैसे आते हैं। जी अब इसको, इसकी स्पीड बढ़ानी है। जी सर आपको गाड़ी चलानी आ गई है, जी सर अब बस उसकी स्पीड कैसे बढ़ानी जी है ये आपको सीखना है, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, बस आपको सीखना है कि जो लोग जुड़े हुए हैं उनका विजन कैसे क्लियर करना है, उनकी सोच कैसे बड़ी करनी है P2P को लेकर। कुलविंदर सिंह जी अनम्यूट कीजिए सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया सर, आज का टॉपिक बहुत बढ़िया लगा। मैं सर थैंक यू। ये पता करना चाहता था कि जैसे हम इंडिया में चल रहा है जी, फॉरेन में भी चल सकता है ये सिस्टम अपना? ओके सर, ये दुनिया के किसी भी हिस्से में चल सकता है, लेकिन अभी के लिए रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि जो लोग ज्वाइन हो उनका कोई ना कोई बैंक अकाउंट इंडिया का हो, ताकि पेमेंट्स आने और जाने में आसानी हो सके। आने वाले टाइम में इसको ग्लोबल किया जाएगा, उसके बारे में भी विचार चल रही है, लेकिन फिलहाल या तो कोई, भले ही कोई इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, लेकिन उसका बैंक अकाउंट इंडिया में होना चाहिए। अच्छा, बैंक अकाउंट इंडिया में फिर चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता फिर ज्वाइनिंग नहीं हो सकती अगर अकाउंट नहीं है तो, या फिर अगर उनके किसी रिलेटिव का, किसी नोन का है तो। ना। वो काम कर सकता है लेकिन उसका रिलेटिव है जो भी है, वो उसका अकाउंट जो है इंडिया में होना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही। बाकी ओके सर सर, आप म्यूट हो गए हो, आप अनम्यूट कीजिए। कुलविंदर जी अनम्यूट कीजिए सर। लता जी अनम्यूट कीजिए। ओके ओके सर, थैंक ओके जी, हाँ जी, लता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ यू। जी, हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये अभी 2 2.5 महीने पहले मैंने ज्वाइन लिया इसमें, ओके और उसके बाद में 2 बंदे मेरे नीचे मैंने डाल दिए। तो एक जो है हमारे, उनका तो P2P का ये मतलब जी लेवल का सिस्टम है, उसमें जो काफी अर्निंग उनको हो गई जी लेवल में, ओके लेकिन दूसरे को कुछ भी अर्निंग नहीं हुई है। तो उसका थोड़ा क्या है कि अंदर से वो ये है कि मेरे मेरा तो कुछ भी नहीं आया है। तो एक बंदा जिसका वो हो गया है, उसको तो मतलब थोड़ा सा वो मिला, मोटिवेट हो गया उससे वो, और वो उसमें अपने नीचे 3 4 बंदों को डाल दिया। ओके वो कहने से उसने कुछ नहीं किया, जैसे उसको लगा कि जी लेवल का पैसा आ रहा है और इसमें वास्तव में पैसा है, और जितना मैंने लगाया उससे ज्यादा उसने अर्निंग कर ली उसको। तो राइट। वो तो अपने नीचे बंदे डाल दिए, लेकिन दूसरा जो है वो तो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है मेरा तो 1 भी रुपया नहीं है, तो मैं किस बेस पे काम करूँ? ओके, मैं बताता हूँ। देखो क्या है कि जो दो लोगों को आपने ज्वाइन करवाया है ना, ना तो, माफ कीजिएगा इसको गलत वे में मत लेना, लेकिन ना तो आपको क्लैरिटी है प्लान की, ना ही उन दो लोगों की है। राइट, आपको भी इजी लेवल से मतलब है और आपकी टीम को भी इजी लेवल से मतलब है। जो आपने बताया वही उन्होंने समझा, उनको आपने बताया कि आपको पैसा आएगा, और एक को आ गया क्योंकि उस आपकी जो अपलाइन है वो काम कर रही थी, और आपकी जिस लेग में इजी लेवल के लोग जुड़ रहे थे उसी लेग में वो था, इसलिए उसको पैसा आ गया। और जो आपकी दूसरी लेग थी जहां पे आपकी अपलाइन का काम नहीं पहुंच रहा था, उसको पैसा नहीं आया। तो ये सब लोग इजी लेवल के ऊपर जो आप बैठे हुए हो, इजी लेवल सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट है जो शुरू में आपको एक एक्स्ट्रा इनकम देती है, लेकिन इसमें जो पैसा आता है वो सारा मैचिंग हेल्प का आता है। तो हमें जो जो चीज हमें पार लगाएगी, जो चीज हमें सक्सेसफुल बनाएगी, वो मैचिंग हेल्प का पैसा है, और उसके लिए हमें खुद काम करना होगा। हम अपलाइन के आस पे नहीं बैठ सकते कि वो काम करे और हमें इजी लेवल का पैसा आए, या पैसा आएगा तो फिर हम काम करेंगे। नो,
अगर ये सोच रख के हम ज्वाइन कर रहे हैं या किसी को करवा रहे हैं तो ये बहुत ही गलत सोच है, ये आपको ज्यादा देर तक नहीं आगे लेके जाएगी। आप जिसको भी ज्वाइन करवाए उसको पूरी क्लैरिटी के साथ बताएं कि ये एक वर्किंग प्लान है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, इस तरीके से मैचिंग हेल्प आती है, इस तरीके से इंस्टेंट हेल्प आती है, इस तरीके से इजी लेवल आता है। तो डिटेल में बताइए, लालच दे के इजी लेवल का किसी को ज्वाइन मत करवाइए। और जिनको पैसा आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया उनको बताइए कि कैसे आ सकता है, राइट। और अगर आपको कुछ ज्यादा ही है कि मैं उनकी हेल्प करूं, तो आप जब अपने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स और इसमें एनरोल करेंगे और आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स होंगी, तो उन वो दोनों लोग जो आपके लेफ्ट और राइट पे हैं उन दोनों को और पैसा आएगा, राइट। थैंक यू। इंदरजीत सिंह जी अनम्यूट कीजिए। ओके।